हेलो, समर्स आर हियर। तो चलो एक अच्छा सा सनस्क्रीन सर्च करते हैं, क्योंकि हम काले लोगों को भी सनस्क्रीन की जरूरत पड़ती है। बट सनस्क्रीन लगा लो तो फेयर एंड लवली वाला फील आता है, वाइट वाइट एंड वाइट। तो चलो इन 5 पॉपुलर ब्रांड्स के सनस्क्रीन को ट्राई करते हैं और देखते हैं मेरी जैसी ब्राउन इंडियन स्किन टोन के लिए कौन सी सनस्क्रीन बेस्ट है और हमें कौन सी लेनी चाहिए। बट उससे पहले हमें पता तो होना चाहिए कि एक अच्छे सनस्क्रीन में ऐसा क्या होता है या फिर क्या क्या देखें। पैरामीटर्स टू चेक इन अ गुड सनस्क्रीन। आपको पता है अकॉर्डिंग टू डरमैट्स SPF 30 से अगर कोई सी भी सनस्क्रीन हम इंडियंस के लिए बेस्ट होती है। हमें SPF 40, 50, 60 तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि SPF स्किन बर्न या फिर स्किन कैंसर से डील करता है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PA वैल्यू, जैसे कि PA++, PA+, ये चेक करना, क्योंकि ये स्किन टैनिंग एंड एंटी एजिंग से डील करता है। तो SPF के साथ साथ PA वैल्यू जरूर चेक करना। नेक्स्ट आपको चेक करना है कि वो मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है या फिर केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन है। एंड ऑलवेज प्रेफर अ मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन, क्योंकि मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन आपकी स्किन पर एक लेयर चढ़ा देता है। स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता वो क्रीम, बस एक लेयर चढ़ जाती है और सन की हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। जबकि एक केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर वर्क करती है। तो केमिकल के साथ ये दिक्कत है कि उसमें मे बी कोई टॉक्सिन्स हों या फिर कोई भी ऐसे इंग्रीडियंट जो आपकी स्किन के लिए अच्छे ना हो, तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इसीलिए ऑलवेज गो फॉर मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन। एंड हाँ, सनस्क्रीन भी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आती है, तो आपको चेक करना है कि आपकी स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको सनस्क्रीन लेना है। एंड एट लास्ट प्राइस, उसे कैसे भूल सकते हैं। एंड हम लोगों की स्किन ब्राउन है तो वाइट कास्ट ना करे बस। तो चलो इन पैरामीटर्स पे इन सनस्क्रीन को ट्राई करते हैं और देखते हैं हमें कौन सी लेनी चाहिए। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ डॉट एनकी का ये विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन। ये SPF 50 PA++ है। ये सनस्क्रीन मैंने कभी नहीं यूज किया, अभी फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ आप लोगों के सामने। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे सेमी लिक्विड काइंड ऑफ है। और हाँ, मैं सारे सनस्क्रीन की क्वांटिटी सेम लेने को ट्राई करूंगी, ताकि हम वाइट कास्ट प्रॉपर देख सकें कि है या नहीं। अब इसे लगा लेती हूँ। लगाने पर ये बिल्कुल ईजिली ब्लेंड नहीं हो रहा है। मुझे इसे ब्लेंड करने में लगभग 20 सेकंड लग गए थे। बट ये क्या 20 सेकंड के बाद वाइट कास्ट तो नहीं, लेकिन ये पपड़ियाँ से कैसे छूट रही हैं? ये देखो कितना अजीब लग रहा है। मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं या फिर क्या बोलूं, बट सच में बहुत अजीब और गंदा लग रहा है। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, बट मेरे लिए ये नो, एकदम बकवास लगा मुझे तो ये। नंबर 2 पर मैं यूज कर रही हूँ डर्माकोल का 1% हाइलोरोलिक एक्वा जेल सनस्क्रीन। ये SPF 50 PA++++ है। इसकी कंसिस्टेंसी एक मॉइस्चराइजर की तरह है, जैसे हम नॉर्मल मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल उसकी तरह। अब मैं इसे लगा कर देखती हूँ। लगाने पे तो यार ये एकदम ईजली ब्लेंड हो रहा है। सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ। एक सनस्क्रीन वाली वाइब ही नहीं आ रही है, बहुत ईजली ब्लेंड हो रहा है। आई एम लिटरली सॉक्ड। बाय द वे, मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये मिनरल बेस्ड है या फिर केमिकल बेस्ड सनस्क्रीन है। अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। एंड बेस्ट बात, ये कोई वाइट कास्ट नहीं कर रहा है, ना ही ऑयली है। तो अगर आपकी स्किन ऑयली है ना, तब भी आप इसे लगा सकते हो। ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, तो आई लिटरली लाइक इट। सच में अच्छी है ये तो। नंबर 3 पर मैं यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन। ये SPF 50 PA++++ है। अब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक है, बट इसे लगा कर देखते हैं। यार इसमें से तो एल्कोहल जैसी स्मेल आ रही है, बहुत ही अजीब। और लगाने पर बिल्कुल भी ईजिली ब्लेंड नहीं हो रही है। मुझे 20 मिनट हो गए इसे ऐसे रब करते करते, और अब देखो ये ऐसे कास्टिंग हो रही है यार इसकी तो। मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं, बट ये ऐसे रेसा सा छोड़ रहा है, बहुत ही गंदा लग रहा है, बहुत गंदा। एंड इसने मेरी स्किन को ऑयली भी कर दिया है। वैसे तो इसमें लिखा है कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है, बट मुझे बहुत ऑयली लग रहा है और गंदा लग रहा है, तो मैं तो ये सनस्क्रीन कभी नहीं ट्राई करना चाहूँगी, नो। नंबर 4 पर मैं यूज़ कर रही हूँ 24 हर्बल का ये सनस्क्रीन। ये SPF 60 PA++++ है। इसकी भी कंसिस्टेंसी मामाअर्थ की तरह थिक है, और ऐसा लग रहा है जैसे ये इजली ब्लेंड नहीं होगी। बाकी इसे लगा कर देखते हैं। इसकी स्मेल ना फेयर एंड लवली की तरह आ रही है, बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल भी ईजिली ब्लेंड नहीं हो रहा है। जैसे लगाते लगाते अप्रॉक्स 30 सेकेंड हो गए हैं, बट ये ब्लेंड ही नहीं हो रहा है। मेरी स्किन एकदम वाइट हो गई है, बहुत ही गंदी वाहियात। ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूत आ गया हो। और फेस पर भी ना एक हल्की सी जलन हो रही है, मतलब मुझे नहीं पता ये सनस्क्रीन की वजह से हो रही है या फिर क्यों, बट बहुत हल्की हल्की सी जलन भी हो रही है। और ये बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं हो रहा है, मतलब मैंने पूरी कोशिश कर ली
बट ये वाइटनेस जा ही नहीं रही है। वैसे तो ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है बट मुझे ये सनस्क्रीन बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आई लिटरली हेट इट। एंड एट लास्ट नंबर 5 पर मैं यूज़ कर रही हूँ एरोमा मैजिक का ये क्यूकम्बर सनस्क्रीन लोशन। ये SPF 30 है, PA इसमें लिखा नहीं है और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक है, मतलब मामा अर्थ और जोवीस के कंपैरिजन में थोड़ा कम। आपको पता है इसकी स्मेल भी अच्छी है। वैसे मैंने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ है, आज से पहले। अब इसे लगा कर देखते हैं। लगाने पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है ब्लेंड होने में, आई मीन 10 सेकेंड लग जाएंगे आपको ब्लेंड करने में। बट लुक एट दिस, कितना सही ब्लेंड हो गया है, कोई वाइट कास्ट नहीं है। आई मीन मेरा फेस बिल्कुल भी वाइट नहीं लग रहा है। ये वाली सनस्क्रीन नॉर्मल टू सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट है, तो आई गेस ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है। क्योंकि मैंने लगाया ना तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़ा थोड़ा ऑयली कर देता है, आई मीन ग्लोई ग्लोई सा लुक आता है। तो मेरे लिए तो बेस्ट है क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है। ये एक मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन है और सबसे अच्छी बात बताऊँ, यही सबसे अफोर्डेबल सनस्क्रीन है अभी तक मैंने जो 5 ट्राई किए हैं उन सब में से, मतलब 50 ml वो भी 180 rupees में, सबसे सस्ता। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ इन सारी सनस्क्रीन में से मुझे कौन सी अच्छी लगी या फिर मेरी फेवरेट कौन सी है। नंबर 1 पर है एरोमा मैजिक, क्योंकि ये बिल्कुल अफोर्डेबल है, इन सारी सनस्क्रीन में से सबसे सस्ती है और ग्लोई सा लुक देती है, थोड़ा बहुत ऑयली। अगर आपकी ड्राई स्किन है ना तो बेस्ट है, बट ऑयली स्किन वाले इसे अवॉइड करना। एंड सबसे अच्छी बात, कोई वाइट कास्ट नहीं करती है, आप इसे ईजिली लगा सकते हो। नंबर 2 पर है डर्माको एक्वा जेल सनस्क्रीन, क्योंकि ये एकदम क्रीम जैसी लगती है, ऐसा लगता है जैसे हम क्रीम लगा रहे हैं, मतलब बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाती है और कोई वाइट कास्ट नहीं करती है। और हाँ, कोई ऑयलीनेस या फिर ग्लोई लुक भी नहीं आता। तो फिर अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है, कोई सी भी आप इसे ईजिली ट्राई कर सकते हो। सो माई ब्राउन गर्ल्स, यू कैन ट्राई दीज 2 सनस्क्रीन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और एक अच्छा सनस्क्रीन चुनने में आपकी थोड़ी सी मदद हुई हो। अब ये तो बात हो गई सनस्क्रीन की, बट मेरा रीसेंट स्किन केयर रूटीन क्या है ये जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें।